आज मैं जो करेक्टर स्किल्स कॉम्बिनेशन आप लोगों को बताने वाला हूं, इसको लगाने के बाद अलग ही लेवल के हेडशॉट्स आप लोगों के लगेंगे। और देखो ये चीज इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो करेक्टर स्किल्स का ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये मैंने एक अंडररेटेड प्लेयर के गेम प्ले में देखा था शुरू में, और उस टाइम पर मैंने इसको इग्नोर कर दिया बिकॉज देखो हर बंदा भाई अपने हिसाब से करेक्टर स्किल्स कॉम्बिनेशन बनाता है। बट जब यही सेम कॉम्बिनेशन मैंने कुछ बड़े प्लेयर्स की वीडियो में देखा जो कि काफी तगड़े रेड नंबर्स मारते हैं, तो भाई लिटरली वहां पर मेरे दिमाग में बजी घंटी एंड मैं गया सीधा ट्रेनिंग में उसी करेक्टर स्किल्स के कॉम्बिनेशन को लगा करके। और भाई वहां पर जो मैंने रिजल्ट देखा उसे देख करके लिटरली मैं शॉक हो गया। आप भी यहां पर बैकग्राउंड में देख लो, ये उसी टाइम की क्लिप है। और देखो मैं गारंटी देता हूं कि आप में से 99% बंदों को भाई करेक्टर स्किल्स के इस कॉम्बिनेशन के बारे में कभी पता नहीं होगा। खैर पता भी तो तभी होगा जब ओरियन और सोनिया को यूज करने से फुर्सत मिलेगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो चलो यार अब इन फालतू की बातों को छोड़ते हैं, मैं आपको सीधी सीधी बात बोलता हूँ। देखो अगर आपने अच्छे तगड़े हेडशॉट्स मारने तो इस वीडियो को पूरा देख लो, ठीक है। अब चलो यार बिना किसी देरी के मैं आपको करेक्टर स्किल्स का ये वाला सीक्रेट कॉम्बिनेशन बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा तीन नॉर्मल स्किल्स एंड देन उसके बाद एक एक्टिव स्किल, ठीक है। तो सबसे पहली जो अपनी करेक्टर स्किल है वो है लूना करेक्टर की स्किल। अब देखो लूना करेक्टर की स्किल से ये होता है, आप जब भी SMG की गन यूज कर रहे हो तो भाई वहां पर जो है ना लूना करेक्टर उस गन का जो रेट ऑफ फायर है वो डबल मतलब बढ़ा देती है भाई बहुत ज्यादा, ठीक है। अब देखो आप ऊपर से एक तो स्किल लगा के रखे हो जिसका की रेट ऑफ फायर ज्यादा है ऑलरेडी, ठीक है। ऊपर से आपने लूना लगा लिया तो लिटरली आपकी सारी गोलियां एनिमी के हेड पर जाकर के चिपकेंगी, ठीक है। बिल्कुल देखो रेट ऑफ फायर गन का जितना ज्यादा है उतनी ज्यादा गोलियां भाई हेड पे आगे लगती हैं एनिमी के। ये आप में से बहुत सारे बंदे अच्छी तरह से जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लूना करेक्टर की जो स्किल है वो आपकी गन का रेट ऑफ फायर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई रेट ऑफ फायर का बहुत ज्यादा फायदा है, ठीक है। तो सबसे पहले स्किल आपने लूना करेक्टर की यूज करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी स्किल। तो गाइस देखो दूसरी स्किल है अपने DB करेक्टर की। अब देखो ये जो अपना DB है ना भाई पिछले काफी टाइम से मैं यूज कर रहा हूँ, लिटरली भाई ये चीता करेक्टर है सबसे। जब आप एनिमी के साथ मतलब फाइटिंग कर रहे होते हो ना, मतलब जब लड़ रहे होते हो उस मूवमेंट के साथ, लिटरली आपकी जो मूवमेंट है ना वो नेक्स्ट लेवल पर ही पहुंचा देता है ये करेक्टर, एंड आपकी जो एक्यूरेसी है उसको भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देता है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप में से काफी सारे बंदों ने देखा होगा कि जब आपके रेड नंबर्स लगते होंगे तो भाई कुछ बंदों के साथ क्या होता है कि भाई उनके आधे बॉडी शॉट लगते हैं एंड आधे रेड नंबर्स लगते हैं, और ये प्रॉब्लम भाई मैक्सिमम बंदों के साथ होती होगी। लेकिन भाई अगर आपने DB लगा के रखा हुआ है तो भाई आपके ओनली रेड नंबर्स लगेंगे, ठीक है। यहां पर वो चीज है रेड नंबर्स के बीच में कभी भी आपके बॉडी शॉट नहीं आ सकते हैं, बिकॉज देखो ये जो है ना भाई एक्यूरेसी को काफी तगड़ा कर देता है और उसके साथ साथ मूवमेंट स्पीड भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर DB करेक्टर भी एकदम चीता है हेडशॉट्स मारने के लिए, ठीक है। तो दूसरी स्किल आपने DB करेक्टर की लगानी है। अब हम बात करते हैं अपनी अगली स्किल की, मतलब तीसरी स्किल की। तो भाई लोग देखो तीसरी स्किल है भाई अपनी ट्रेंडिंग, अपनी सोनिया। भाई देखो जब तक सोनिया को ये फ्री फायर वाले खराब नहीं कर रहे तब तक इसका खूब सही तरीके से फायदा उठा लो, वरना भाई बाद में पछतावा ही रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो यार ये करेक्टर जितना ज्यादा OP है ना, ये सोनिया भाई आज तक मैंने कसम से इतना तगड़ा करेक्टर नहीं देखा, बिकॉज देखो भाई आप मौत के मुंह में चले जाते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको 3 सेकंड मिलते हैं अपने लिए लड़ने के लिए, तो इससे बड़ी चीज तो भाई हो ही नहीं सकती, ठीक है। मरने के बाद भी आप नहीं मर रहे और आप फाइटिंग कर रहे हो, काफी तगड़ी चीज है। तो देखो आपने सोनिया करेक्टर की स्किल जरूर लगानी है, ठीक है, काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल है, एंड भाई काफी सारे बंदों की जिंदगी इस सोनिया ने खराब कर रखी है। और मैं भी बोलता हूँ कि भैया जिंदगी खराब करो, खूब खराब करो, जब तक खराब करते रहो जब तक कि फ्री फायर वाले इस सोनिया को खराब नहीं कर देते। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ लास्ट की स्किल जो कि है एक्टिव स्किल। अब देखो एक्टिव स्किल्स में भाई बहुत सारे तगड़े तगड़े करेक्टर्स हैं जैसे कि ओरियन, तत्सुया और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे करेक्टर्स हैं, लेकिन देखो इनसे भाई हेडशॉट नहीं लगते हैं, ठीक है। और देखो जो मैं आपको स्किल बताऊंगा एक्टिव स्किल, मैं आपको बता दूं कि उससे भी हेडशॉट नहीं लगते, लेकिन उसमें इतना फर्क है कि भाई वो हेडशॉट मारने में ना आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है, लिटरली आप ना उससे हैकर जैसा खेल सकते हो। तो गाइस देखो वो स्किल है वुकोंग की। अब देखो इसका क्या फायदा मैं आपको पहले बताता हूं। देखो आप जो है ना एम ले सकते हो इससे, लेकिन सामने वाला आपके ऊपर एम नहीं ले सकता, ठीक है। आप जो है एम पहले ही सेट कर सकते हो जब आप वुकोंग बने हुए होगे, ठीक है, एंड उसके बाद आप जैसी फायरिंग करोगे वुकोंग आपका खत्म, आपका हेडशॉट लग जाएगा जैसे कि यहां पर मैंने मार दिया है, ठीक है। तो यहां पर ये सबसे बड़ी एडवांटेज है, एंड इसी चीज का यूज करके आप शॉर्ट रेंज में भी हेडशॉट चिपका सकते हो एंड लॉन्ग रेंज में भी हेडशॉट चिपका सकते हो, ठीक है। तो देखो यहां पर वुकोंग वाली जो स्किल है भाई मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, एंड आप में से मैक्सिमम बंदे भाई नोटिस भी कर रहे होंगे मेरी शुरू से भाई मैं वुकोंग से ही खेलता हूं, ठीक है। तो यहां पर काफी तगड़ा करेक्टर है वुकोंग, आप चाहो तो इसको एक्टिव स्किल्स में लगा सकते हो, और आपकी अगर मर्जी कर रही है तो और दूसरे लगा लेना, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखना कि जितनी ज्यादा हेल्प वुकोंग करता है हेडशॉट मारने में, फ्री फायर के अंदर कोई भी ऐसा एक्टिव स्किल वाला करेक्टर नहीं है जो कि आपकी हेडशॉट मारने
में हेल्प कर दे, ठीक है, वो भी इतनी ज्यादा। तो ये जो करेक्टर स्किल्स वाला कॉम्बिनेशन है ये कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। सबसे पहले वुकोंग, दूसरे नंबर पर सोनिया, तीसरे नंबर पर डीवी एंड चौथे नंबर पर लूना, ठीक है। आप अगर ये वाला करेक्टर स्किल्स कॉम्बिनेशन लगा करके खेलोगे तो भाई काफी ज्यादा अच्छे हेडशॉट्स आप लोग मार पाओगे। एंड देखो यार, सबसे पहले ही नहीं, खैर वीडियो को लास्ट आ चुका है, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। देखो आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्योंकि देखो यार प्रैक्टिस के बगैर ना बहुत सारी चीजें भाई नामुमकिन ही रहती हैं। देखो अगर उनको मुमकिन करना है तो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, क्योंकि देखो यार करेक्टर्स की भी आदत लगानी होती है, करेक्टर्स को यूज कैसे करना है, किस टाइम पर उनकी स्किल्स जो एक्टिव होती है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको तभी, मतलब इन चीजों का आइडिया आपको तभी लग पाएगा जबकि आप थोड़ा बहुत टाइम ट्रेनिंग में जाकर के बिताओगे, ठीक है। तो थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लेना, बाकी तो भाई मौज करो, ठीक है। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, क्या कर रहे हो। और हाँ, तुम में से जो बंदे नए हो भाई, सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि देखो तुम्हारा भाई काफी अच्छे अच्छे ट्रिक्स आपके लिए लाता रहता है। तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, ठीक है। तो भाई लोग यहाँ पर यही थी आज की अपनी वीडियो, एंड भाई यही तक था अपनी इस वीडियो का सफर। चलो यार अब अपन मिलते हैं अगली वीडियो में।